हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दी क्लास। अज आपां करन जा रहे हां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी 6वीं क्लास दी किताब पंजाबी पुस्तक पहली भाषा ते उहदा 10वां पाठ जो कि कविता हैगी है कीड़ी ते, इहदा अज आपां करांगे पाठ अभ्यास। तां चलो शुरू करदे हां। पहले सवाल तो दसो, कीड़ी किहो जिही दिसदी है? उत्तर, कीड़ी निक्की जिही दिसदी है, उस उत्ते मांस या खल नहीं दिसदी। एड़ा कीड़ी दे काम ते उस दी लगन केहो जेही है? उत्तर, कीड़ी दे काम अजेहे हन जो सब दा ध्यान खिंचदे हन। उस दी लगन अटूट है, ओहो लगातार तुरदी रहंदी है ते काम विच रुझी रहंदी है। ओहो किसे औकड़ दी परवाह नहीं करदी। अगला, कीड़ियां दा दल रल मिलके किस तरह रहिंदा है? उत्तर, कीड़ियां दा दल रल मिलके रहिंदा ते खांदा पींदा है। ओहो एक दूजे दा सहारा बनदियां हन। सस्सा, कीड़ियां गल्लां किवें करदियां हन? उत्तर, कीड़ियां एक दूजी दे मुंह नाल मुंह ला के गल्लां करदियां हन। हाहा, कीड़ी तो सानू की सिक्ख्या मिलदी है? उत्तर, कीड़ियां तो सानू सिदक, लगन ते मेहनत नाल काम करन ते रल मिलके रहन दी सिक्ख्या मिलदी है। कक्का, कीड़ियां आपस विच किवें रहंदियां हन? उत्तर, कीड़ियां आपस विच रल मिलके रहंदियां हन। खक्खा, कवि ने इस कविता विच की संदेश दिता है? उत्तर, कवि ने कीड़ी कविता विच रल मिलके रहन, लगन ते मेहनत नाल काम करन अते सिदक दा संदेश देता है। दूजा सवाल, हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो। ये शब्द दिते हुए ने, इन्हां नूं वाकां विच वरतना है। तां चलो शुरू करदे हां। सब तो पहला तन, जिहदा मतलब हुंदा है शरीर। देश, भगतां ने तन मन धन नाल देश सेवा कीती। जीवन दा मतलब जिंदगी। मनुख नूं अपने जीवन विच चंगे काम करने चाहीदे हन। धरती मतलब जमीन। धरती सूरज द्वारे घूमती है। करारा दा मतलब तिखा। मसाला भोजन नूं करारा कर दिंदा है। भरोसा दा मतलब विश्वास। रब विच भरोसा रखो। अगला, एतबार दा मतलब यकीन या फिर विश्वास। झूठे उत्ते कोई एतबार नहीं करदा। अगला, चुफेरे दा मतलब चारे पासे। साडे घर दे चुफेरे उच्ची उच्ची कंध है। तीजा, औखे शब्दां दे अर्थ। औकड़, औख, बिपता या फिर मुश्किल। अगला, हुंगारा गल दे जवाब विच हां हां या हूं, करना हां करना। साहस दा मतलब हौसला, दलेरी या फिर हिम्मत। अगला, लगन, धुन, शौक, रुचि या फिर लीव। अगला, अजूबा अजीब चीज या अनोखी गल। इतबार दा मतलब भरोसा, यकीन या विश्वास। सुरजीत दा मतलब जिंदा जिउंदा, पर इस कविता च सुरजीत तो भाव है शायर दा उपनाम है। चौथा, इस कविता विच आए इको लै वाले शब्द या होर शब्द लिखो जिवें कि उदाहरण विच दसिया गया है। उदाहरण, महकन टहकन, ते एदा उत्तर मैं इत्थे लिखिया है। जिवें महकन टहकन उन्हां ने उदाहरण दे विच दसिया गया सी। इको मतलब आवाज आती है जद इन्हां नूं आपां बोलदे हां। उवे ही दुरकारो सतिकारो, खल गल, हुंगारा सारा, अगे लगे, रहंदे कहंदे, हुलारा करारा, जापे नापे, पारा सहारा, थावण पावण, आई चाई, आवे जावे, छुहावण पुचावण, थलेरे चुफेरे, वंडाइए बनाइए। अगे चलते हाँ। इत्थे क्या होया व्याकरण बारे। इस कविता विचों विशेषण शब्द चुन के अपनी कॉपी विच लिखो, ते मैं थोनू दस दिंदी हाँ केड़े केड़े विशेषण शब्द हैगे ने जो वरते गए ने इस कविता दे विच। तुसी ध्यान दिओ भी ओ थोनू भी मिले कि नहीं। निक्की, निक्का निक्का, वड्डी, इको, थोड़ी थोड़ी, परा, कुछ कुछ,
कोई, मिठिया या एडा, ये सारे विशेषण शब्द है ने। ते सी अज दी क्लास में उम्मीद कर दी है मैं थानू ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। जे वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। आप फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।